जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद्यालय में। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट काउंट, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किसका लिस्ट काउंट है दोस्तों, सूक्ष्ममापी जो हमारे यंत्र होते हैं उनका ये लिस्ट काउंट आपको मैं बताऊंगा और उनके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। ये हमारा ITI के लगभग सभी ट्रेडों में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, आपको जरूर इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, उसमें आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। देखिए आपका पहला है दोस्तों वर्नियर कैलिपर। पहले हम जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का हम प्रयोग क्या करते हैं। दोस्तों हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग बाहरी और अंदरूनी माप लेने के लिए करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा, बाहरी और अंदरूनी माप लेने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि वर्नियर कैलिपर का आप हमें लिस्ट काउंट बताइए, किस समय MM में बताना अगर आपको लिस्ट काउंट, तो जो आपका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है MM में 0.02 mm होता है। अगर आपसे इंच में पूछ ले कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताइए, किसमें इंच में बताना है, तो हमारा होता है 0.001 इंच होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वर्नियर डेप्थ गेज। देख लेते हैं दोस्तों हम कि वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम छिद्र, खांचे, झिर्री तथा पर्दों को मापने के लिए किसका करते हैं, वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग करते हैं। अगर आपसे वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट पूछता है किसमें MM में, तो हमारा क्या होगा 0.02 mm। अगर वही आपसे इंच में पूछ ले कि वर्नियर डेप्थ गेज का इंच में आप लिस्ट काउंट बताइए दोस्तों, तो हमारा होता है 0.001 इंच होता है, किसका, वर्नियर डेप्थ गेज का। नेक्स्ट हमारा है क्या, वर्नियर हाइट गेज। देख लेते हैं दोस्तों कि हम वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कहाँ करते हैं। वर्नियर हाइट गेज का दोस्तों हम उपयोग करते हैं किसी ऊंचाई की माप लेने के लिए। जैसे हम देखते हैं जब मार्किंग करते हैं किसी जाप पे, तो उसकी ऊंचाई की माप लेने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। और उसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए भी करते हैं, किसका, वर्नियर हाइट गेज का। अगर आपसे पूछता है कि वर्नियर हाइट गेज का आप लिस्ट काउंट बताइए किसमें MM में, तो हमारा जो MM में लिस्ट काउंट होता है दोस्तों वर्नियर हाइट गेज का 0.02 mm। अगर वही आपसे पूछ ले कि वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट बताइए आप इंच में, तो हमारा दोस्तों होता है इंच में 0.001 इंच होता है, किसका, वर्नियर हाइट गेज का। दोस्तों देखिए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज और वर्नियर हाइट गेज का ये सेम आपका लिस्ट काउंट होता है, किसना, MM में भी और इंच में भी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्या, गियर टूथ कैलिपर। क्या दोस्तों, गियर टूथ कैलिपर। दोस्तों देख लेते हैं कि गियर टूथ कैलिपर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग दांत का कार्डल अडेंडम और कार्डल थिकनेस यानी मोटाई और पीच सर्कल की दांत की मोटाई मापने के लिए करते हैं दोस्तों, किसका, गियर टूथ कैलिपर का। अगर आपसे पूछता है कि गियर टूथ कैलिपर का लिस्ट काउंट बताइए आप किसमें MM में, तो दोस्तों वो हमारा होगा 0.02 mm। अगर आपसे पूछता इंच में, तो हमारा होगा 0.001 इंच होगा गियर टूथ कैलिपर का लिस्ट काउंट। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर, एक आपका दिया है क्या, आउटसाइड माइक्रोमीटर मीट्रिक में। देख लेते हैं इसका हमारा प्रयोग क्या है। दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम बाहरी डायमेंशन को मापने के लिए करते हैं, यानी किसी शाफ्ट का व्यास हो गया और प्लेट का हमको थिकनेस मापना है, तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। देख लेते हैं, अगर आपसे पूछता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का आप हमको लिस्ट काउंट बताइए MM में, दोस्तों हमारा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है MM में 0.01 mm होता है। अगर वही आपसे पूछ ले इंच में कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताइए आप इंच में, तो होता है हमारा 0.001 इंच होता है, किसका, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट हमारा दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए डेप्थ मतलब क्या, गहराई। इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों होल स्लॉट की गहराई मापने के लिए। क्या दोस्तों,
होल हुआ या स्लॉट हुआ, उसकी गहराई मापने के लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे लिस्ट काउंट पूछा जाता है एमएम में तो 0.01 mm होगा दोस्तों। अगर आपसे इंच में पूछता है तो होगा 0.001 इंच होगा, किसका? डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों क्या, ट्यूब माइक्रोमीटर। ये सब आपको जितने भी मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको पूरा देखिएगा। ट्यूब माइक्रोमीटर है, देख लेते हैं हम ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग यानी प्रयोग क्या करते हैं। दोस्तों ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग हम ट्यूबों की, जैसे आपका ट्यूबों की थिकनेस मापने के लिए करते हैं। किसकी? ट्यूब का थिकनेस मापने के लिए हम ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ ले ट्यूब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताइए आप एमएम में, तो हमारा होगा 0.01 mm। अगर आपसे इंच में पूछता है दोस्तों तो होगा हमारा 0.001 इंच होगा, क्या? ट्यूब माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर की माप लेने के लिए करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया स्क्रू थ्रेड के पिच की डायमीटर माप लेने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा वहाँ राइट आंसर होगा क्या, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगर आपसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछता है एमएम में मेरे भाई, तो आपका जो एमएम में होगा 0.01 mm। अगर यही आपसे इंच में पूछता है तो वो होगा 0.001 इंच होगा, किसका? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बी माइक्रोमीटर। दोस्तों कॉम्बी माइक्रोमीटर का प्रयोग हम बाहरी डायमेंशन को मापने के लिए भी करते हैं। अगर आपसे पूछता है कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताइए आप एमएम में, तो हमारा होगा 0.01 mm। अगर आपसे पूछता है कि कॉम्बी माइक्रोमीटर का आप इंच में बताइए लिस्ट काउंट, तो हमारा होता है दोस्तों 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों सीट माइक्रोमीटर। क्या है? सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर का दोस्तों प्रयोग हम करते हैं सीट की मोटाई मापने के लिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सीट की मोटाई मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा आपका सीट माइक्रोमीटर। अगर आपसे पूछता है सीट माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बताइए एमएम में, तो हमारा होता है 0.01 mm। अगर यही आपसे पूछता है सीट माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बताइए आप इंच में, तो हमारा होता है 0.001 इंच होता है। दोस्तों अगर आप इसका आपका सेकेंड पार्ट भी आएगा बहुत जल्द। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।